हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राजस्थान बोर्ड के 10th और 12th दोनों बोर्ड कक्षा के स्टूडेंट है वो अभी भी चिंतित है राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर। तो बिल्कुल भी राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट आ रही है कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी, क्या शिक्षा मंत्री इस परीक्षाओं के कराने के पक्ष में है या फिर नहीं, शिक्षा मंत्री क्या चाहते हैं परीक्षा होगी या फिर नहीं, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। उससे पहले आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट इमरजेंसी में अपडेट हम वहां पर दे देते हैं। सारे स्टूडेंट है वो भ्रमित हो गए, खासकर 10th वाले स्टूडेंट सारे भ्रमित हो चुके हैं क्या उनकी परीक्षा होगी नहीं होगी। इस तरह की अपडेट आती थी, पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है, लेकिन इस वीडियो में सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। शिक्षा मंत्री का क्या बयान है परीक्षाओं को लेकर, तो ये आज की अपडेट है। सीकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा निश्चित तौर पर होगी, यानी कि RBSE द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री के अनुसार सरकार जून के प्रथम सप्ताह में रिव्यू बैठक करेगी, यानी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार जून के प्रथम सप्ताह में एक रिव्यू बैठक की जाएगी जिसमें सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं और प्रदेश के नए शिक्षा नीति सत्र पर चर्चा की जाएगी। यानी कि 1 जून को CBSE की डेट शीट आएगी, उसके बाद राजस्थान बोर्ड की एक रिव्यू बैठक होगी जिसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्या मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे या फिर पेपर को समय कम किया जाएगा, क्या क्या निकल कर आएगी वो 1 जून के बाद अपडेट निकल कर आएगी। फिलहाल है वो राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं कराने के पक्ष में है, ये शिक्षा मंत्री ने कहा है। शिक्षा मंत्री नहीं चाहते कि परीक्षाएं रद्द हो, ये पक्ष में है, हमेशा परीक्षा कराने के पक्ष में रहते हैं। देखिए, हमने पूरी कोशिश की थी परीक्षा रद्द करने को लेकर, लेकिन शिक्षा मंत्री ये परीक्षा कराने के पक्ष में है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको परीक्षा देनी ही पड़ेगी, आप अपनी तैयारी करते रहे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक और मैं ट्वीट दिखा देता हूँ राजस्थान बोर्ड का। सीकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा निश्चित तौर पर होगी, सरकार जून के प्रथम सप्ताह में रिव्यू बैठक करेगी जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं पर और प्रदेश में नई शिक्षा सत्र पर चर्चा की जाएगी। तो ये पूरी की पूरी अपडेट मैंने आपको दे दी, अब आपको एक्टिव हो जाना है परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड है वो परीक्षा लेगा। अब किस किस सब्जेक्ट की परीक्षा लेगा, क्योंकि ये भी अपडेट निकल कर आ रही है, CBSE ने जो फॉर्मेट अपनाया उसके अनुसार क्या राजस्थान बोर्ड भी इस पर फॉर्मेट अपनाएगा, तो उसको लेकर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो आज की तो यही अपडेट थी। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, राजस्थान बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट चैनल पर सबसे पहले मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।